आपने अगर प्योर देसी मुर्गी पालन कर रखा है तो आप उनको बिल्कुल फ्री रेंज एरिया के अंदर को अभी के टाइम में प्योर देसी मुर्गी आपने अगर पाल रखे हैं मेरी तरह तो उनको बिल्कुल फ्री रेंज एरिया के अंदर रखो। इसकी फ्री रेंज एरिया में रखने में बहुत ही ज़्यादा फायदा है हर चीज़। ऐसा अगर आपने फ्री रेंज आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो कहाँ रखोगे। लेकिन अगर आपके पास आप देहाती एरिया में रहते हो, अगर आप फ्री रेंज एरिया के अंदर इनको रखोगे तो आपके मुर्गों का वजन, आपके मुर्गों का अंडा और मुर्गी स्वस्थ इतनी रहेगी कि पूछो मत। फ्री रेंज एरिया में रखने से इनको इतना फ़ायदा है कि पूछो मत। फीड का खर्चा बिल्कुल नहीं है। आप इनको कुछ मत डालो, सुबह निकाल दो, शाम को अंदर कर दो, कुछ भी मत डालो। बस थोड़ा पानी पीने के लिए अलग दो, हल्का हल्का कहीं तो पी लेंगे। बिल्कुल धान में डालो आप, बिल्कुल आपके मुर्गे इतने तैयार, बिल्कुल फ्री तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया है तो हमारे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो हमारे मुर्गे चुग चुके खा रहे हैं फ्री रेंज एरिया के अंदर। अभी के टाइम में बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के अंदर अनेक प्रकार के कीड़े आते हैं, जो कीड़े में कीड़ों में विटामिन भी होता है, हर चीज़ होती है उसमें। तो कीड़े खा के अपना भोजन खुद अपना पेट भर लेते हैं, मुर्गे दबा के अपना पेट पूरा फुल भर लेते हैं, कोई फीड का खर्चा नहीं है। और ये अंडों का प्रोडक्शन इतना इनका बढ़ जाता है इनका कि आप देख नहीं सकते, इतने अंडे हो जाते हैं इनके कि दबा के अंडे देती हैं मुर्गियाँ। कोई बीमारी इनमें नहीं आती है, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इस समय अगर आप बच्चे निकलाते हो मुर्गी से तो मुर्गी पूरी बच्चे निकालेगी, अंडों के नीचे अगर रखोगे तो पूरे बच्चे निकाल लेती हैं मुर्गियाँ, क्योंकि न सर्दी है न गर्मी है। और बच्चे को अगर आप दो दिन बाद अगर बाहर छोड़ दो तो इतने जल्दी बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ करेंगे कि एक बच्चा बीमार नहीं होगा। सिर्फ उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों में पिसू या जूतों नहीं पड़ गई आपके बच्चों में या मुर्गियों में, उनका थोड़ा ध्यान रखना। सर्दी अभी गर्मी बारिश के टाइम में जुएँ बहुत बढ़ती है जो उनको मुर्गियों में, तो उनको पंख उठा के देखना, पंखों के नीचे देखना है कि हाँ यार जूत अगर बच्चों पर जूँ पड़ गई तो उसको निकालो या उसकी दवाई से उनको मारो, नहीं तो बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। बाकी और किसी चीज़ से ख़त्म नहीं होते हैं, बस बारिश के समय थोड़े से क्या सांप और नेवला भी आते हैं, उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश के टाइम में सांप और नेवला बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो उसके लिए आप मेरी तरह जो हमने जाली बांध रखी है, चारों तरफ जाली लगा रखी है, इसे जाली लगा दो तो उसके जल्दी से उसके अंदर कोई नहीं आएगा। फिर देखो हमने छोटे छोटे जाली उस तरफ मैंने फार्म कर रखा है, उनके नीचे मच्छी पकड़ने वाली जाली लगा रखी है नीचे, ताकि जल्दी से कोई शाम नवला उसके अंदर ना घुसे। बारिश आए तो हम उस फार्म के अंदर कर देते हैं, तो बाहर ही फिरते रहते हैं, फार्म के अंदर भी चले जाते हैं, देख सकते हो आप। दिन के समय उधर कर देते हैं इनको सबको, अपने आप चल जाते हैं, धूप पड़ती है इधर, थोड़ी छाँव कम है छाँव उधर। बाकी दिन भर अपना फ्री रेंज एरिया है, ज़्यादा नहीं, एक एकड़ के भी कम हमारा एरिया है। देखो ये इसके अंदर आराम से घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, अपना भोजन चुन लेते हैं। बाहर भी मैंने बाजरा डाला नहीं खाया, गेहूं डाला नहीं खाया, ये कुछ भी नहीं खाते, बस इनको अच्छा भोजन मिल रहा है, हरा पत्ता मिल रहा है और जानवर मिल रहे खाने के लिए, तो बड़े चाव से खा रहे, भाग पा के खा रहे हैं। आप देख सकते हो जो जो लकड़ियाँ पड़ी है पुरानी किसी पेड़ की, दो उसके अंदर कीड़े मकोड़े दो फिर सूखे, देखो चुन चुन के खा रहे हैं। देखो उस तरफ उनको जंगली जानवर दिखाई दिया, आवाज़ कर रहे हैं, बस इनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा उनका बंदोबस्त कर दो, फिर उसके बाद में इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप आपको अपना भोजन चुगते रहेंगे, खाते रहेंगे और अपना पेट भर लेंगे। ये देखो ये थे छोटी सी जानकारी। आप देसी प्योर देसी मुर्गी पालन करते हो तो उनको फ्री रेंज एरिया के अंदर रखो तो आपके बस कोई खर्चा नहीं है। फ्री के अंडे, फ्री के मुर्गे मिलेंगे आपको, मुर्गी अंडे खूब देगी क्योंकि करपत्र खाएंगे बाहर के तो अंडे देंगी, और विटामिन की उनकी पूरी पूर्ति हो जाएगी इनके सामने। ये देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख सकते हो मेरे मुर्गे, मेरे बच्चे, देखो छोटे छोटे बच्चे उस तरफ चल गए। तो आ गया वो, उधर भी एक उधर भी दिखे, वो भी बच्चे उधर चल गए निकाल दिला।
पार ये ना। आप इनको आराम से रख सकते हो। फ्री रेंज एरिया का मैंने फ़ायदे बता दिए, आप देख सकते हो मेरे मुर्गे कैसे अपना भोजन चुन रहे, खा रहे, पी रहे, कोई दिक्कत नहीं। पूरी एरिया में घूम रहे हैं, गाली थोड़ी बड़ी उस तरफ चल गया। तेरा गोदी लेने के आएंगे, लेने के लिए आ जा भाई। ये था फ्री रेंज एरिया करने के लिए फायदा, आपको मैंने बता दिया। बाकी देसी मुर्गी पालन में बहुत फ़ायदा है कि देसी मुर्गियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर आदमी आज के समय में दवाई की चीज़ नहीं खाना पसंद करते, प्योर देसी खाना पसंद करता है, तो देसी मुर्गी पालन में बहुत ही फ़ायदा है। और भी सभी में फ़ायदा है, लेकिन देसी मुर्गी अलग चीज़ होती है। बाकी और भी चलो ठीक है, अच्छी है, सब बढ़िया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है। आप ले सकते हो इसका बेनिफिट फुल, कोई इतना वो नहीं है। देखो अपने आप कीड़े चुक चुक के खा रहे, बच्चा है छोटा, ये हर बच्चा अपना अपना भोजन खा रहे है, कोई इसको कोई मतलब नहीं, अपना अपना भोजन में लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी अपना पेट भर लेंगे सब इस समय, सब अपना पेट भरने के बाद में। दो बच्चे आ गए वापस तरफ गए थे, वापस आ गए, उधर कतरा है उनके उतार के उस पार को जंगली जानवर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा कैसे आवाज़ ये कर रहा है मुर्गा बड़े वाला, मैं हर बार असील मुर्गे तैयार करता हूँ और मुर्गों को सेल करता हूँ। लो कास्ट का मुर्गे भी रखता हूँ अंडों के लिए, बच्चे निकालने के लिए। बाकी आप फ्री रेंज एरिया देख सकते हो मुर्गे कैसे अपना पेट भर रहे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। आप भी अगर फ्री रेंज एरिया, अगर आप देहाती एरिया में हो, गाँव में हो, तो आप मुर्गे पाल सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन है, खेती है, ट्यूबवेल है, तो फिर आपको परेशानी नहीं है, शाम शाम बच्चों को पाल सकते हो आप।
ये था फ्री रेंज एरिया में रखने का फ़ायदा। मैंने देखा है कैसे अपने चुन चुन के खा रहे हैं, आप देखो कैसे अपना भोजन खा रहे हैं चुप चुप के। इसी प्रकार आप फ्री रेंज एरिया रखोगे तो आपके मुर्गी ऐसे खाएंगे और आपको अंडे का प्रोटेक्शन बढ़ेगा।